मेरा विनम्र निवेदन है माननीय दुष्यंत गौतम जी से कि आपको संबोधित करें। आदरणीय सब बंधुओं का अभिनंदन है। बंधु, कल 25 दिसंबर था। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया गया। उसी प्रकार से पंजाब के अंदर भी समस्त किसानों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर, जिसमें अधिकतर किसान भी थे, मिलकर अटल जी के जन्मदिन को मनाने की तैयारी में थे और जन्मदिन मना रहे थे, क्योंकि 12 बजे देश के प्रधानमंत्री का भी उद्बोधन होना था। क्योंकि जन्मदिन वो इसलिए भी मना रहे थे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसानों के लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली साबित हुआ, जिसके द्वारा उनको 0% पे या 2-3% पे पैसा मिल जाता था। लेकिन उससे पूर्व हम देखते हैं कि किसानों की महाजन लोग जमीन लोन दिया करते थे, 12-13-15% तक पर दिया करते थे। जब लोन नहीं चुकाया जाता था तो उनकी जमीन हड़प लिया करते थे, उनके जानवरों को खोल के ले आया करते थे, उनको जेल में डाल दिया करते थे और आत्महत्या के लिए वो बेचारे मजबूर हो जाया करते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये किसानों के प्रति जो स्नेह था, ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी किसान अपने हर जरूरतों को सड़कों के माध्यम से शहर से पूरी करता था, ये जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया सारी चल रही थी। उसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने 6 वर्ष के अंदर किसान को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य किए हैं, उसमें चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, पहले यूरिया मिलता था, किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी, चोटें लग जाया करती थी, तब जाके उनको यूरिया मिलता था। अधिकतर यूरिया दलालों के माध्यम से, जो राजीव गांधी खुद कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे नीचे पहुँचते हैं, जो 85 पैसा खाने वाले लोग थे, ये कांग्रेस के सभी दलाल, ये सभी लोग इस चीज़ से परेशान थे। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों को किसान सम्मान निधि, जो पूरी की पूरी 9 करोड़ किसानों को 18 करोड़ रुपया एक स्विच दबाते ही पूरे किसानों को पूरा का पूरा मिला, ये कार्यक्रम भी कल किया गया। उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि के साथ साथ सोयल हेल्थ कार्ड पहली बार हुआ है कि किसान अपने भूमि के बारे में जान भी नहीं पाता था, क्या है उसकी भूमि में, क्या चीज़ की आवश्यकता है। इस प्रकार से किसानों के हित के अनेकों कार्य चल रहे थे। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने मिलकर पुलिस का साथ लेकर वहाँ पर उन बैठे हुए किसानों को, जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अटल जी का धन्यवाद करने के लिए बैठे हुए थे, उनको सुनने के लिए बैठे हुए थे, उनके ऊपर लोहे की राडों से, लाठियों से, डंडों से आक्रमण किया गया, जिसमें हमारे एक कार्यकर्ता को 22-23 टाके भी आए हैं, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, किसी के पैर में फ्रैक्चर है, और लगातार अनेकों अनेक ये घटना की गई। ये घटनाओं का कारण, सबसे बड़ा यही कारण था कि पुलिस ने वहाँ पर कांग्रेस पुलिस बन के काम किया, कहीं भी किसी को रोकने का काम नहीं किया गया, सबको ऐसे लागू कर दिया गया। वो गए वहाँ पर, हमारा टेंट उखाड़ा गया और हमसे ही कहा गया कि आप पीछे से गेट से निकल जाएगी, आप यहाँ से निकल जाएगा, आपको टेंट को हटा लो, दूसरी जगह कर लो। इस प्रकार से हमें हतोत्साहित करने का काम किया। आज की प्रेस का कारण ये है कि कांग्रेस इसको आंदोलन को, जो किसान भाई हमारे बिल्कुल शांतिप्रिय चलाना चाहते हैं, इसको खून खराबे में बदलना चाहती है। जिस प्रकार से उनके सांसद रवजीत सिंह बिट्टू ने कल ही कहा है कि पहली तारीख के बाद देखिएगा क्या खून खराबा होगा, कत्लेआम होगा, लाशें बिछेंगी। मैं साफ साफ आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी खून खराबा, कोई प्रकार की हानि हुई, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी। और वहाँ पर जो वामपंथी दल बैठे हुए हैं, जो आपस में सुलह नहीं होने देने चाहते, वो लोग उसके जिम्मेदार होंगे। क्योंकि सरकार ने लगातार, आपने देखा होगा, 5-7 सिटिंग की हैं, हर सिटिंग में सबको बुलाया है, सबके मन की बात को सुना है, और उसके अनुसार MSP का विषय हो या मार्केट का विषय हो, सारा हमने माना है और मानने के लिए तैयार भी है। लेकिन वहाँ पे आंदोलनकारी जिस प्रकार से बोलते हैं कि हम अड़ियल हैं, अड़ियल वो हैं या हमें, ये निर्णय जनता करेगी।
क्योंकि हमने तो सिटिंग की है, जो जो बातें कही है मानी है, लेकिन अड़ियल वो तरीके तीनों बिल वापसी होने चाहिए। जबकि संवाद एक बीच में होता है, इनको कोई जमीन इनको नहीं मिल रही, हमने जीएसटी ये लाना चाहते थे, हमने जीएसटी लागू की तो अनेकों ने उसमें भी विरोध किया, बाद में बैठे संवाद के द्वारा सब ठीक हो गया। सीए लाना चाहते थे नहीं ला पाए, हम लेके आए तो विरोध किया। मुझे लगता है ये विरोध की राजनीति छोड़कर हमें किसानों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आज एक मजबूत और सशक्त भारत चाहती है, और हमें मालूम है ये मजबूत सशक्त भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक इसमें रहने वाला गरीब किसान मजदूर आगे नहीं बढ़ता। और बंधु बड़े दुख की बात तो ये है कि आज मैं आपका सर्वे, एक चैनल का सर्वे ही की बात कर रहा हूँ, आप भारतीय कृषि सुधारों के समर्थन के अंदर, खुद पंजाब के अंदर, ये आज आंदोलन पूरे देश का आंदोलन नहीं है, ये खाली 90% पंजाब का है, 10% अन्य अन्य जो कांग्रेस के राजनीतिक प्रेरित लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। खुद पंजाब ने 78% लोगों ने कहा है कि हम कृषि सुधारों के समर्थन के अंदर है, पंजाब के अंदर कहा है। और ऐसे ही नहीं, आप MSP जारी रहने के PM के आश्वासन से वाकिफ है, 56% लोगों ने कहा है कि हम वाकिफ हैं, हमें मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी जो करेंगे हमारे हित में करेंगे। तीसरा, फसल बेचने के विकल्प का समर्थन जो कि पंजाब ने कहा है, पंजाब ने कहा 78% हम इसके समर्थन के अंदर हैं और 22% खाली इसके विरोध के अंदर है। ये हम नहीं कह रहे, आपके मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। और किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकता है इस नए कानून के अनुसार। पंजाब के 76% लोगों ने कहा कि हाँ हमें फायदा होगा और हम इस किसान बिल के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि ये किसान बिल लागू होना चाहिए। इस प्रकार से, जिस प्रकार से पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है, अब ये निर्णय जनता भी करेगी। हमने फिर भी द्वार उनके लिए खोले हुए हैं कि आप आइए, बात कीजिएगा, इसमें संवाद कला के अनुसार हम सबका निर्णय भी चाहते हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से हम पे आरोप लगते हैं, जिस प्रकार से वहाँ कुछ लोग बैठे, 22% ही कहूँगा ये सर्वे के अनुसार, तो कि 78% हमारे साथ हैं, कुछ लोग जो वहाँ पर बैठे हैं वो बार बार हमें आरोप लगाते हैं कि हम अडानी और अंबानी को लाभ पहुँचाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि 2014 से पहले अडानी अंबानी क्या भीख मांगते थे? अडानी अंबानी जी के फोटो देखोगे तो इनकी साथ में मिलेंगे, इंदिरा गांधी के साथ में मिलेंगे, राहुल गांधी के साथ में मिलेंगे, अमरिंदर सिंह के साथ में मिलेंगे, शरद पवार के साथ में मिलेंगे। और इस बिल को लागू करने के लिए इन्होंने अनेकों ने एक समय पर कहा भी है खुद कि ये बिल लागू होने चाहिए। शरद पवार ने तो कृषि मंत्री रहते हुए खुद कहा था कि ये बिल अगर लागू नहीं करेंगे राज्य सरकार तो मैं जो उनको अनुदान देता हूँ मैं अनुदान नहीं दूंगा। राहुल गांधी के मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है, सोनिया गांधी की स्टेटमेंट आई है, राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई है, अनेकों के नेता, कुछ मुलायम सिंह यादव स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मेंबर थे, उन्होंने खुद कहा था कि किसानों को कब मुक्त कराओगे। और बड़ा दुख तो जब होता है कि आज इस देश के अंदर हर व्यक्ति कोई भी चीज को, आप कोई भी चीज उठा लीजिएगा, आंख बंद कर उठा लीजिएगा, उसको देश में कहीं भी बेच सकते हैं। किसान अपना अनाज और गेहूं और चावल नहीं बेच सकता, हाँ गेहूं का आटा बन जाएगा तो शर्मादार उसको पूरे रेटों में, महंगे रेटों में पूरे देश में बेच सकता है, किसान गेहूं नहीं बेच सकता। चावल से खाद्य पदार्थ बन जाएंगे जिसको पूरा देश खाता है, अनेकों नई चीज बन जाएंगे तो पूरे देश में बेच सकते हैं, किसान अपना चावल नहीं बेच सकता। किसान के ऊपर जो दोहरी मार पंजाब के अंदर पड़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पर जो बांध दिया गया है किसान को, ये किसान एक ही आड़ती को माल बेचेगा, दूसरों को नहीं बेच सकता। मुझे लगता है, मुझे कहने में भी कोई इसमें नहीं है कि आज बंधुआ मजदूरी का इससे बड़ा उदाहरण कोई देश के अंदर नहीं मिल सकता। क्या गलती है इस किसान की बेचारे की? किसान 78% किसान कहता है कि हम हमसे खुश है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि वो खुश रहे। अगर पुराने बिल इतने अच्छे थे तो आत्महत्या क्यों कर रहे थे? हम पूरे राजनीतिक दल के लोगों का जो अब से 20 साल पहले से अब तक कहा है, हम उस पर आधारित ये बिल हमने बनाया है। और 78% जनसंख्या और किसान हमारा समर्थन कर रहे हैं। और कल जो किसान बैठे हुए थे अटल जी का और मोदी जी का धन्यवाद करने में, जो उन पर पथराव किया गया है, राडों से मारा गया, खून खराबा किया गया है, इसके लिए कांग्रेस और उसकी पुलिस जिम्मेदार है। आगे भी कोई होगा तो वही इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनको खून खराबा करके शासन हत्याने की आदत सी बन गई है। धन्यवाद। मैं आगा नहीं कर रहा, उनके सांसद ने कहा, नवजीत सिंह बिट्टू है, कोई MP है कांग्रेस का, उसकी स्टेटमेंट आई है कि पहली तारीख के बाद में खून खराब हो गएंगे, लाशें बिछेंगे। मैंने नहीं कहा।
देश के अधिकांश किसान जो सर्वे बता रहे हैं कि इस कानून के समर्थन में है, कुछ किसान ही आंदोलन कर रहे हैं और वो आए हुए हैं। तो ऐसे में रास्ता क्या, आपको लगता है कि क्यों अब सीधे तौर पर राजनीति का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं बचा है? संवाद के लिए रास्ता खुला हुआ है, आज भी हम बोलने के लिए तैयार हैं। आप आइए, बात कीजिएगा, जो भी बात कहेंगे हम मानने होंगे, लेकिन ये कहकर आएंगे कि तीनों बिल वापसी लो, अड़ियल तरीके से आएंगे, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। सर, जो आपने मुझे अपने अनुबोधन में कहा कि जो वहाँ पंजाब में किसानों को वैल्यू एडिशन के लिए रास्ते नहीं खुल रहे, दे कुड हैव पंजाब गवर्नमेंट कुड हैव डन बेटर देन व्हाट दे हैव बीन डूइंग नाउ, डू यू थिंक दैट दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ डिसएंचेंटमेंट इन पंजाब पर्टिकुलरली? ये पंजाब के लिए भी मान के चले कि पंजाब में ये जो आंदोलन है इसमें 95% पंजाब के लोग हैं, 5% टाइम आए के जो किसी कारण से रह गए हैं कांग्रेस में वो लोग हैं। इसका अंत क्या देखते हैं वो आप? सरकार जो है तीनों बिल वापस नहीं लेगी, किसान जो है तीनों बिल के बगैर मांग ले रहे हैं, अब क्या रास्ता बचता है? किसान हमारे साथ खड़ा है, मैं आप ये निर्णय बताइए 78% के साथ जाना चाहिए 22% के साथ जाना चाहिए? सरकार ने आज उनको नोटा दिया है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.